आप अगर इस बार होम साइंस का 2023 में एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जी हाँ क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा जी है जो आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं तो आपको बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक बने है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना जी हाँ और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर न आने चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितने भी क्लास है तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर सके

ऊर्जा तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिखा पैसा जो है ये मानवीय संसाधन नहीं है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए तो आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का जितने भी मैं क्वेश्चन आपसे कराऊंगा चलिए तो आज के इस मॉडल स्टेट में हम लोग टोटल सेवेंटी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सेवेंटी में सेवेंटी राइट आंसर करने की कोशिश करना है क्या है क्वेश्चन नंबर टू में इनमें से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है जी हाँ कौन सा अपमिश्रक नहीं है दूध में मिलाया जाने वाला तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ गेहूं का पाउडर हो जाएगा ये अपमिश्रक नहीं है दूध में मिलाने वाला चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर थ्री चलिए तो आप लोग इसी तरह आंसर दीजिएगा सारे क्वेश्चन का क्या राइट होगा वायु प्रदूषण का कारण है जी हाँ तो वायु प्रदूषण का कौन सा कारण है यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हानी यातायात राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए आप देख नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में चलिए तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बचत सुरक्षित नहीं करता है जी हाँ तो क्या सुरक्षित नहीं करता है यानी भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकाल या उपयुक्त सभी तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जिहानी भूतकाल हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है क्वेश्चन फाइव में इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है जी हाँ तो कौन सा नर प्रजनन अंग है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिहानी इनमें सभी ये जितने भी सारे हैं ये क्या है नर जनन यानी नर प्रजनन अंग है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में मासिक धर्म चक्र साधारण कितने दिनों का होता है जी हाँ तो कितने दिनों का होता है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ अठाईस दिनों का होता है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट

बी हो जाएगा जी हाँ शिक्षा राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन में इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया दिए जाने वाला ऋण नहीं है जी हाँ तो कौन सा ऋण नहीं है बैंक द्वारा दिया जाने वाला तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ शादी हो जाएगा चलिए

डी हो जाएगा जी हाँ उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जी हाँ और जितने मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा आपको स्किप नहीं करना है जी हाँ क्योंकि आपको मॉडल सेट से ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और साथ साथ में आपको नोट कर लेना है और आपने इससे पिछले वाला दो मॉडल सेट नहीं देखा तो आप लोग प्ले में देख लीजिएगा मैंने अपलोड कर दिया है इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक नहीं है जी हाँ क्या आवश्यक नहीं है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी खिड़की दरवाजे की जाली ये प्रतिदिन सफाई करना ये आवश्यक नहीं है चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है जी हाँ तो किस तरह का जल तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ जो संग्रहित जल है ये हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा इनमें से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है जी हाँ तो कौन सा वस्त्र है स्कूल में पहने जाने वाला तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी जिहा यूनिफॉर्म हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इनमें से कौन सूती कपड़ों की धुलाई का अंतिम चरण है जी हाँ कौन सा अंतिम चरण है यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी जिहा कलफ लगाना हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में इनमें से कौन मिट्टी प्रदूषण का कारण है जी हाँ तो कौन सा मिट्टी प्रदूषण का कारण है तो यहाँ पे कचरा हो जाएगा, जाएगा। चलिए आप देख लेंगे कौन भोजन जन्य संक्रमण है जी हाँ तो कौन सा है यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी उपयुक्त सभी हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल आप सबका आंसर सही आ रहा है तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको क्लास को लाइक कर देना है जी हाँ हर हाल में चलिए तो किसकी बचत नहीं होती है जिहां? तो किसकी बचत नहीं होती है यहां पे आप हो जाएगा नहीं? भोजन की मात्रा इसकी बचत नहीं होती है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में निम्न में से कौन स्वरोजगार और बेरोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है जी हाँ तो कौन तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमें से सभी हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जा रहा है बजट कितने प्रकार का होता है जी तो बजट कितने प्रकार का होता है तो राइट आंसर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ तीन प्रकार का होता है चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पर राइट आंसर बताइए आप लोग जल की कमी प्रभावित नहीं करती है जी हाँ तो किसको प्रभावित नहीं करती है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी जिहा भूख हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्या बोला जा रहा है निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है जी हाँ तो कौन सामुदायिक सुविधा है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी जिहा बाजार हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या बोला जा रहा है आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता जी हाँ तो किससे प्रभावित नहीं होता है यहां पर आवास हो जाएगा चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर क्या बोला जा रहा है में चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है जी हाँ तो कौन सा कारक है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमें से सभी हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोला जा जाएगा ट्वेंटी सिक्स में मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है जी हाँ तो किसकी सहायता अपेक्षित है यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमें सभी हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन में और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिए जी हाँ आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है सारे क्वेश्चन का सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है जी हाँ तो क्या तात्पर्य है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ ज्ञानात्मक विकास हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है जी हाँ तो कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है ट्वेंटी नाइन में अस्थाई धातु की संख्या होती है जी हाँ तो कितनी होती है अस्थाई धातु की संख्या तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ बीस हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ने? ने क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है क्वेश्चन थर्टी में कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है जी हाँ तो कैल्शियम का प्राप्ति का क्या स्रोत है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ इनमें से सभी क्या है ये कैल्शियम कैल्सियम दूध दही पनीर ये क्या है कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्या बोला जाता है थर्टी वन में जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है जी हाँ तो कौन सा टीका लगाया जाता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ बी सी जी का टीका लगाया जाता है जन्म के समय चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू क्या बोला जा रहा है असीमित खरीदारी की जा सकती है जी हाँ तो किसके द्वारा की की जा सकती है यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी ने दोनों कार्ड द्वारा हो जाएगा अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है जी हाँ तो निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 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 है क्वेशन थर्टी फोर। क्या है नंबर नंबर क्या में चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी का चलिए यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका आ चुका है क्वेश्चन एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है जी हाँ किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमें से सभी हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्या बोला जाएगा क्वेश्चन थर्टी फाइव में चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है जी हाँ तो कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी यानी वस्त्रों की मरम्मत हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्या बोला जाए क्वेश्चन थर्टी सिक्स में निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है जी तो कौन सा खाने योग्य भाग है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी इनमें से सभी ये क्या है यानी बीज पत्ते और फूल ये क्या है पौधे का खाने योग्य भाग है चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन क्या है क्वेश्चन थर्टी सेवन में निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है जी हाँ कौन सा साधन है निवेश का सबसे अच्छा यहाँ पे

प्रदान नहीं करती है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्या बोला है क्वेश्चन फोर्टी वन में निम्न में से निम्न में किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए जी हाँ तो किसको कच्चा नहीं खाना चाहिए तो यहां पे राइट आंसर आपको ऑप्शन आप नंबर ए हो जाएगा जी हाँ गेहूं हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्या है क्वेश्चन फोर्टी टू में निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है जी हाँ तो कौन सी विधि है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमे से सभी क्या है भोजन को समृद्ध बनाने की विधि है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री क्या क्वेश्चन फोर्टी थ्री में वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है जी हाँ तो कौन सा कारक है तो यहाँ पे फोर्टी थ्री का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमे से सभी हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्या बोला जाए फोर्टी फोर में मोबाइल क्रैच घूमती है जी हाँ तो किसके साथ घूमती है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्या बोला जा रहा है गर्भ अवस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है जी हाँ तो किस चीज़ की आवश्यकता बढ़ जाती है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमें से सभी की आवश्यकता क्या हो जाती है बढ़ जाती है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्या है फोर्टी सिक्स में चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग निम्न में से कौन सही है जी हाँ वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में परिवर्तन है या वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है या वृद्धि मापी जा सकती है या इनमें से सभी तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ इनमें से सभी कथन क्या है सही है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या है क्वेश्चन फोर्टी में रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है जी हाँ तो किस विटामिन के अभाव में होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी यानी विटामिन डी की अभाव में होता है अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट में अप मिश्रण का उदाहरण है जी हाँ तो कौन सा अप मिश्रण का उदाहरण है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी यानी इनमें से सभी ये सारे क्या है अप मिश्रण का उदाहरण है चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्या है क्वेश्चन फोर्टी में चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी हाँ तो कहां करा सकते हैं तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन आप नंबर सी हो जाएगा जी उपभोक्ता निवारण संगठन के पास हो जाएगा चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्या है क्वेश्चन फिफ्टी में कीड़े से बनने वाला रेशा है जी हाँ तो कौन सा रेशा है जो कीड़े से बनता है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ नि रेशम हो जाएगा चलिए तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है जी हाँ क्योंकि हम लोग इस मॉडल पेपर में सेवेंटी क्वेश्चन करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है और आपको अगर अच्छी लग रही है क्लास तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है जी हाँ और जो भी स्टूडेंट इस, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लेना है और आपने अगर इससे पिछले वाला दो मॉडल सेट नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपको मॉडल सेट से ही ज्यादातर आते हैं तो यहाँ आपको मॉडल सेट को हर हाल में देखना जरूरी है चलिए तो आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन क्या है क्वेश्चन फिफ्टी वन में शरीर के उत्तकों का मूल आधार है जी हाँ तो क्या मूल आधार है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी जल हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू। क्या है क्वेश्चन में में चलिए बताइए आप लोग कौन सा होगा किशोर अवस्था में विकास तेजी से होता है जी हां। तो किसका विकास तेजी से होता है तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी शारीरिक वो लैंगिक हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्या बोला जाए क्वेश्चन फिफ्टी थ्री में चार वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ होते हैं जी हाँ तो किस प्रकार के रंगों को तो यहाँ ए हो जाएगा जी माध्यमिक रंग हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर में चलिए एड्रेसर बताइए आप लोग राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है जी हाँ तो किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो, जी हाँ ने, हो जाएगा जी नामक रोग से बचने के लिए दी जाती है चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट ने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव क्या है क्वेश्चन फिफ्टी फाइव में चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग आई की स्थापना किस सन में हुई थी जी हाँ कौन से ईस्वी में हुई थी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिन्हें सन 1975 सौ ईस्वी में चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 क्या है क्वेश्चन 56 में चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना पकाने पर उसमें क्या सम्मिलित होता है जी हाँ तो क्या सम्मिलित हो जाता है यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ निकिल हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्या है क्वेश्चन फिफ्टी में जल का रासायनिक नाम होता है तो क्या होता है खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों तक का होता है जी हाँ तो कितने दिनों का होता है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जिहा सात से दस दिन का होता है चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्या बोला जा रहा है डिफ्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं जी हां तो कौन से अंग में पनपते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी जि हे गला में पनपते हैं चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या बोला जा रहा है सिक्सटी में ढोकला किस विधि से बनाया जाता है जी हां तो कौन सी विधि से बनाया जाता है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी जिहा खमीरीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है जी हाँ तो कितना होता है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ प्रति किलोग्राम पर एक ग्राम होता है अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू क्या है सिक्सटी टू में सन यासी में भारत वर्ष में असमर्थों की संख्या थी जी हाँ तो असमर्थों की संख्या कितनी थी यानी सन उन्नीस ईस्वी में तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी यानी बारह मिलियन हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री क्या बोला जा रहा है बालकों में सामाजिक व्यवहार होता है जी हाँ तो कौन सा व्यवहार होता है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा जी हाने सहयोग हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे है है क्या बोला जा रहा में चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताना मत भूलिएगा और सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना जरूरी है नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेक को व्यक्त करता है जी हाँ तो किस प्रकार का संवेक यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाने दुख हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग एक दूध पिलाने वाली माता को प्रतिदिन के आहार में अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए जी हाँ तो कितना ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए तो यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ एक गर्भवती माता को प्रतिदिन के आहार में अतिरिक्त कैलोरी देना चाहिए जी हाँ तो कितना अतिरिक्त कैलोरी देना चाहिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ तीन सौ अतिरिक्त कैलोरी देना चाहिए चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67, क्या बोला जा रहा है परिधान निर्माण में डिजाइन के कितने सिद्धांत होते हैं जी हाँ तो कितने जी पांच सिद्धांत होते हैं गर्म रंग कहलाता है जी हाँ तो कौन सा रंग गर्म रंग कहलाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी ने लाल हो जाएगा चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोला जा रहा है सिक्सटी नाइन में बचत प्रबंध का एक हिस्सा है जी हाँ तो क्या हिस्सा है बचत प्रबंध का एक हिस्सा यहाँ पे आपका ऑप्शन आप नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए जी पैसा क्या है बचत प्रबंध का एक हिस्सा है चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे इस मॉडल सेट का चलिए तो राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा आखिरी क्वेश्चन का चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी में डिप्थीरिया रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है जी हाँ तो कौन सा टीका लगाया जाता है यहां पे राइट आंसर आपका ऑप्शन आप नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ डी पी का टीका, टीका हो जाएगा चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपोर्टेंट मॉडल सेट है हम साइज का बिल्कुल कवर कर लिया है और हम लोगों ने इससे पिछले दो मॉडल सेट और भी कवर कर लिया है तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जरूर जरूर देख लीजिए जी हाँ क्योंकि आपको एग्जाम में मॉडल सेट से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं अगर आपको गलत अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हाल में शेयर कर देना है और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर लेना है चलिए तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद फिर मिलेंगे अगले क्लास में टिल देन बाय बाय टाटा सी ऑन द नेक्स्ट क्लास